हेलो मॉडर्न कर्ट्स आज हम लोग एसएसटी का न्यू चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ एलमेनैक इस चैप्टर में हम लोग अबाउट कैलेंडर पढ़ेंगे ओके okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज में ही चैप्टर नंबर थर्ड के फर्स्ट पेज में ही कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आंसर देना है यहाँ पर नाउ आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ आप लोगों को अपने बारे में इस क्वेश्चन में के आंसर देने हैं फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर राइट करनी है नेक्स्ट है वैन इज़ योर मदर मदर्स बर्थडे आपकी मम्मी का जब बर्थडे होता है वो आपको राइट करना है अपनी मम्मी से पूछ आप यहाँ पर उनका क्या करेंगे डेट ऑफ बर्थ राइट कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इन विच ईयर डिड योर पेरेंट्स गेट मैरिड आपके पेरेंट्स की मैरिज कब हुई वो आपको यहाँ पर राइट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड यू ज्वाइन योर फर्स्ट स्कूल? आपने अपना फर्स्ट स्कूल कब ज्वाइन किया था वो डेट आपको इसमें राइट करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ योर फेवरेट मंथ एंड वाई आपका फेवरेट मंथ कौन सा है और क्यों वो राइट करना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डेज डस फेबरवरी हैव दिस ईयर इस साल फेबरवरी में कितने डेज थे आपको वो राइट करना है और ये इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कहाँ राइट करेंगे बुक में ही राइट करेंगे जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो कॉपी में क्वेश्चन राइट करके फिर आंसर लिखेंगे तो चलिए अब क्वेश्चन के आंसर देने के बाद अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट कैलेंडर अ कैलेंडर इज अ प्रिंटेड टेबल सोइंग ऑल डेज वीक्स एंड मंथ ऑफ ईयर कैलेंडर आर यूज टू हेल्प पीपल मैनेज दियर पर्सनल स्किड्यूल टाइम एंड एक्टिविटी कैलेंडर क्या होता है एक प्रिंटेड टेबल होती है जिसमें सभी दिन सारे डेज वीक्स और मंथ शो किए होते हैं और कैलेंडर पर्सनल एस्ड्यूल टाइम और एक्टिविटीज़ को मैनेज करने में पीपल्स की हेल्प करती है अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट ग्रीक कैलेंडर देयर आर मैनी कैलेंडर दैट आर यूज बाई वेरियस कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड बट द ग्रीगोरियन कैलेंडर एस इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कैलेंडर ऐसे तो पूरे वर्ल्ड में हर कम्युनिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के कैलेंडर यूज किए जाते हैं लेकिन ग्रीगोरियन कैलेंडर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कैलेंडर होती है इट इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज क्रिश्चियन और वेस्टर्न कैलेंडर इसे हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं क्रिश्चियन कैलेंडर या वेस्टर्न कैलेंडर भी कहते हैं इट इज़ सॉरी इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई पॉप ग्रीगोरी ट्वेल्थ इन फिफ्टीन एट्टी टू इस कैलेंडर को किसने इंट्रोड्यूस किया था पॉप ग्रीगोरी ट्वेल्थ ने फिफ्टीन एट्टी टू में इंट्रोड्यूस किया था इस कैलेंडर को ग्रीगोरियन कैलेंडर इज बेस्ड ऑन अर्थ रिवॉल्यूशन एज इट्स इट रिवॉल्व अराउंड द सन जो ग्रीगोरियन कैलेंडर है वो अर्थ के रिवॉल्यूशन पर बेस्ड है जैसे आ, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है उसी के अकॉर्डिंग इस कैलेंडर को बनाया गया है दिस सोलर कैलेंडर हैज़ थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज इन ईयर विच डिवाइड इंटू ट्वेल्व मंथ ऑफ इरेगुलर लेंथ जो ये सोलर कैलेंडर होता है इसमें टोटल कितने डेज होते, है? होते हैं इस कैलेंडर में टोटल होते हैं थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज और इन थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज़ को ट्वेल्व मंथ में डिवाइड किया गया है और हर मंथ में की जो लेंथ होती है वो इरेगुलर होती है मीनस आपने देखा भी होगा जैसे को कुछ मंथ थर्टी के होते हैं कुछ थर्टी वन के होते हैं फेबरवरी ट्वेंटी की एट की होती है या फिर ट्वेंटी नाइन की होती है तो ये नंबर मंथ जो होते हैं वो इेगुलर लेंथ के होते हैं द फर्स्ट मंथ ऑफ द ग्रीगोरियन कैलेंडर इज़ जनवरी ग्रीगोरियन कैलेंडर का जो फर्स्ट मंथ होता है वो क्या होती है जनवरी और ये आप सभी को पता भी है आप सब ने अपने घर में कैलेंडर देखा भी होगा अगर ना देखा हो तो आज सभी बच्चे अपने घर पर कैलेंडर देखेंगे ग्रीगोरियन कैलेंडर देखिए उसमें ऐसे मंथ्स राइट right होते हैं जैसे जनवरी में थर्टी वन फिर फेबरवरी में कितने डेज हैं ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन ऐसे करके आप कहाँ तक होते हैं दिसंबर तक होते हैं और उसमें कितने डेज हैं थर्टी वन मीन्स ग्रिगोरियन कैलेंडर में ट्वेल्व मंथ होते हैं जनवरी से लेकर के कहाँ तक दिसंबर तक और सभी ने घर में देखा भी होगा इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर uh, से पहले एक कैलेंडर यूज़ होता था जिसका नाम था जूलियन कैलेंडर और इस जूलियन कैलेंडर को किसने इस्टबलिश किया था जूलियस सीजर uh, ने लेकिन इसमें कुछ uh, काफ़ी कुछ एकोरेट नहीं था जिसकी वजह से इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर से रिप्लेस कर दिया गया मीन्स अब ग्रिगोरियन कैलेंडर इन प्लेस ऑफ जूलियन कैलेंडर यूज़ किया जाता है अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लीप ईयर लीप ईयर क्या होते हैं एवरी फोर्थ ईयर इज़ लीप ईयर जो भी हर फोर्थ ईयर क्या होता है लीप ईयर होता है इसका मतलब हर लीप ईयर फोर ईयर के बाद आता है वन एक्स्ट्रा डे इज एड टू द मंथ ऑफ फेबरवरी एवरी फोर्थ ईयर हर फोर्थ ईयर में फेबरवरी में एक एक्स्ट्रा डेन डे ऐड कर दिया जाता है इट देन हैज ट्वेंटी नाइन डेज इंस्टीड ऑफ ट्वेंटी एट डेज जब हम फेबरुरी में वन एक्स्ट्रा डे ऐड कर देते हैं तो हमारा जो नंबर ऑफ़ डेज होते हैं वो ट्वेंटी नाइन हो जाते हैं इन प्लेस ऑफ ट्वेंटी एट नॉर्मली फेबरवरी में ट्वेंटी एट डेज होते हैं लेकिन लीप ईयर में फेबरवरी में ट्वेंटी नाइन डेज होते हैं दस देयर आर थ्री हंड्रेड सिक्सटी सिक्स डेज इंस्टीड ऑफ थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज सच आयर विथ थ्री हंड्रेड सिक्सटी सिक्स डेज़ इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर तो इस तरह से जब फेबरवरी में वन डे इंक्रीज़ किया जाता है बढ़ा दिया जाता है तो ऐसे तो हमारा जो एक साल होता है वन ईयर होता है उसमें होते हैं थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज लेकिन जब हम वन डे ऐड कर देते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं थ्री हंड्रेड सिक्सटी सिक्स डेज और ऐसे ईयर को क्या कहते हैं लीप ईयर कहते हैं क्लियर हो गया सभी को तो बस आज के लिए इतना ही अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का आगे का पार्ट पढ़ पढ़ेंगे